रिश्तों की कहानी भी क्या खूब कहानी है, रिश्तों की कहानी भी क्या खूब कहानी है। जम जाए तो खून समझो, जम जाए तो खून समझो, बह जाए तो पानी है, रिश्तों की कहानी भी क्या खूब कहानी है। रिश्ता है मोहब्बत भी, रिश्ता है अदावत भी, दुनिया में मोहब्बत का एक रूप है नफरत भी, एक रूप है नफरत भी। ये बैर जो है मन में चाहत की निशानी है, रिश्तों की कहानी भी क्या खूब कहानी है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मिसेस गोम्स से अविनाश पूछता है कि विलियम कौन है। इधर आकाश मिसेस गोम्स को बताता है कि वो विलियम नाम के एक आदमी से मिला था, और ये सुनकर मिसेस गोम्स बेहोश हो जाती हैं। विलियम आकाश को बताता है कि वो मिसेस गोम्स का पति है। इधर अजय विलियम के पास आता है और विलियम उसे शालिनी की एक पुरानी तस्वीर देता है। अब आगे। हेलो अविनाश पुरी, तुम अखबारों में ये जो इश्तिहारों का खेल खेल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से मुझ तक पहुंच जाओगे? तुम हो, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनी बेटी। मेरी बात का यकीन करना, तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी ये बनियों वाली बातें बंद करो। नहीं बेटे, देखो मैंने तो हमेशा यही चाहा कि तुम मुझसे मिलो। हाँ मिलना चाहते हो, लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले में। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर ही आ जाता हूं, वहां तुम्हारी सारी फैमिली होगी और हम लोग आमने सामने बैठकर बात कर लेंगे। क्यों बेटे, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं तो खुद चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊं, तुमसे बात करूं, और इसके लिए मैंने माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। सुनो बेटे, अगर तुम मुनासिब समझो तो कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ। मेरे एक नहीं कई नाम है अविनाश पुरी, काश मेरा एक ही नाम होता। तुम मुझे लावारिस कह सकते हो, चाहो तो नाजायज भी। डैडी, हेलो 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 डैड, किसका फोन था? तुम्हारे भाई का फोन था। क्या क्या कह रहा था वो? क्या कहेगा वो? वो अखबार के इश्तिहार को एक स्टंट, एक नाटक समझ रहा है, और समझना भी चाहिए उसे ऐसे, क्योंकि जिन हालात से वो गुजरा है उसके लिए ऐसा सोचना गलत नहीं है बेटे। क्या दिया है जिंदगी ने उसे? दुख, बदनामी। काश वो मुझे एक बार मिल जाए, मैं उसके सामने अपने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी मांग लूं बेटे। काश वो मुझे बता दे कि वो कहां रहता है। डैड, मैं आज एक ऐसे आदमी से मिलकर आ रहा हूं जो उन्हें पहचानते हैं। क्या? हाँ डैड, मिस्टर विलियम। जब मैं उसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे तस्वीर दी। डैड, मैं इसमें सिर्फ मिस्टर विलियम को ही पहचानता हूं। हाँ बेटे,
बेटी ये शालिनी है, और ये जो बच्चा उसके साथ खड़ा है शायद ये वही है। हो सकता है जब ये तस्वीर खींची गई हो तो ये 5 या 6 साल का होगा बेटे। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये मेरे सामने आ जाए तो मैं इसे पहचानूंगा कैसे? डैड, उन्हें सिर्फ मिस्टर विलियम ही पहचान सकते हैं, और आज मिस्टर विलियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। हाँ बेटे, शायद मिस्टर विलियम से हमें सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन जब मैंने फोन पर उनसे... डैड, अब आप बिल्कुल परेशान मत होइए, चाहे जैसे भी हो किसी भी तरह से मैं अपने भाई को ढूंढ निकालूंगा। बेटे, इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। ओके डैड। शालू, जो बेइंसाफी तुम्हारे साथ हुई है ना, मैं उसका प्रायश्चित करूंगा। बस एक बार मुझसे मिल जाए, एक बार। करने आया है तो उसका मुकाबला करेगा।
इसका पता तुझे इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में पहुंचने के बाद पता चलेगा। डॉक्टर नलिनी सर, मैं नहीं जानती, मैं तो घर जा रही थी सर, कुछ गुंडे ने रास्ते में पीट रहे थे, मैंने उठाकर यहाँ ले आई सर, बहुत खून बह चुका है। हाँ, इसकी हालत तो बहुत खराब है, काफी खून बह रहा है। चलो चलो, ले चलो इसे। रमन सेठ, उसको इतना मारा कि उसकी हड्डी पतली चूर हो गई। वो मरेगा तो नहीं? नहीं मरेगा तो नहीं, लेकिन इतना मारा कि लंबे अरसे के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया। उसे इस बात का यकीन तो हो गया ना कि ये काम अविनाशपुरी का है? हाँ, उसे पूरा यकीन हो गया कि ये काम अविनाशपुरी का ही है। वेरी गुड, थैंक यू। चलो बाबू। हेलो डॉक्टर। हेलो इंस्पेक्टर आनंद। हेलो। हेलो, कैसी है तबीयत पेशेंट की? अभी तक होश नहीं आया। मारो कि ये मर जाए। तू मुझे मेरी बीवी की नजरों में नीचा गिराना चाहता था, क्योंकि तू चित्र जानता है कि मेरी बीवी मुझे देवता समझती है, नहीं आकाश। अब तेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी आकाश, क्योंकि अब तू मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। अविनाशपुरी, तू देवता नहीं, तू राक्षस है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अविनाश।
कहीं भी छुप जाए अविनाश। डॉक्टर नर्स अविनाश एक तो ये बहुत जख्मी है और इसके दिलो दिमाग पर भी बहुत गहरा असर हुआ है और ये एक ही नाम बड़बड़ाया जा रहा है अविनाश पुरी। इसी बात से तो मैं भी हैरान हूं डॉक्टर, क्योंकि जिस अविनाश पुरी को मैं जानता हूं, खैर छोड़िए मिस डॉक्टर नलिनी वर्मा, ये शख्स आपको मिला कहां? तहकीकात करो। ओके। माने उस मोटरसाइकिल को अपने चार्ज में लो और पता लगा कि वो है किसकी। जी साहब। हेलो कौन? महिमा बेटी, हम तुम्हारा नानी बोलते हैं। अरे नानी क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, पन बेटा सारी रात जाकर निकला, आकाश नहीं लौटा। क्या भैया घर नहीं आए? हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। नानी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ओके बेटा जल्दी आना। अविनाश पुत्र क्या बात है नंदा जी? ओ मोतीनगर थाने का इंचार्ज तुमसे मिलने के लिए आया है, मैंने उसे बाहर ही रोक दिया है। मुझसे मिलने के लिए? बात क्या है नंदा जी? पता नहीं मुझे कुछ बताने को तैयारी नहीं, कहता तुमसे पर्सनली बात करनी। अपने वकील को बुला लूं? नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं नंदा जी, पहले देख तो लें कि वो कहना क्या चाहता है, उसे भेज दीजिए मेरे पास। ओके। May I come in, please? Please come in. I'm Inspector Vijay Anand. Nice to meet you. Aaiye baithiye. Thank you. जी हाँ कहिए। माफ कीजिए पुरी साहब, मैं बगैर अपॉइंटमेंट लिए चला आया, लेकिन मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था। ऐसी क्या बात है इंस्पेक्टर? पुरी साहब सिविल हॉस्पिटल में एक नौजवान को भर्ती किया गया है, बहुत जख्मी हालत में, बहुत बुरी तरह से पीटा गया है उसे। इस वक्त वो नौजवान बेहोश है और बेहोशी की हालत में वो बार बार एक ही नाम दोहरा रहा है, अविनाश पुरी। क्या? जी हाँ पुरी साहब, वो बार बार यही बड़बड़ा रहा है कि अविनाश पुरी तुम चाहे कितने दौलतमंद क्यों ना हो, तुम्हारे पास चाहे कितनी ताकत क्यों ना हो, कितनी शोहरत क्यों ना हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुरी साहब वैसे तो इस शहर में अविनाश पुरी बहुत हैं, लेकिन आपसे ज्यादा दौलतमंद, आपसे ज्यादा रईस कोई नहीं। देखिए पुरी साहब, वैसे तो आपकी इज्जत और शराफत पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन क्योंकि आप एक ही अविनाश पुरी हैं जिन्हें मैं जानता हूं, इसलिए मैं इंस्पेक्टर मैं वाकई नहीं जानता कि ये जो शख्स हॉस्पिटल में जख्मी पड़ा हुआ है ये मेरा नाम क्यों बड़बड़ा रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि उस शख्स का नाम क्या है? इस वक्त तो हम भी नहीं जानते। पुरी साहब अगर आप इसे मेरी ज्यादती ना समझे तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए।
हो सकता है कि आप उसे जानते हो, मुमकिन है कि वो कोई आपका पुराना मुलाजिम रहा हो या कोई दूर का रिश्तेदार। इंस्पेक्टर, वैसे तो मैं बहुत बिजी आदमी हूं, लेकिन चूंकि ये शख्स बेहोश है, जख्मी है और आपको ये भी नहीं पता कि उसका नाम क्या है, तो मैं आपके साथ हॉस्पिटल जरूर चलूंगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच पुरी साहब। यू आर वेलकम। आइए पुरी साहब। हेलो डॉक्टर। हेलो।